नमस्कार, बेगूसराय टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं संगम रॉय। बेगूसराय में धारा 144 के बावजूद भी चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि बीती रात चोरों ने मेन रोड स्थित प्रभात ज्वेलर्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार ने बताया कि चोर दुकान के पीछे से दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और दुकान में रखे चांदी के जेवरात और तिजोरी का ताला तोड़कर तिजोरी में रखे सामान को लेकर चंपत हो गए। सुबह में जब जानकारी मिली तो लोगों ने दुकान खोलकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेकर छानबीन में जुट चुकी है। बेगूसराय टुडे के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। इधर शोकेस में सामान उमान था, गल्ला तो निकल ले पूरा कुछ है नहीं करे। यहाँ पर भी देखे चोरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सब निकाल के चेक किया गया है, नेकलेस निकाल लिया है, काउंटर पे जो काउंटर का जो सामान था वो ले गया है और भी बहुत से नुकसान हो चुके हैं। कैमरा तोड़ दिया है, कार देख सकते हैं आप, कैमरा फिटा हुआ है। चोर पीछे के रास्ता से तोड़ के अंदर घुस चुकी है जेवर की दुकान। लगभग चांदी के जितने आइटम थे वो चोरी कर चुके हैं, काउंटर में जितने थे और कैश थे वो चोरी कर चुके हैं। शक अभी तो नहीं, कैमरा भी नहीं है जो हम देख के बता सकें और बिना जाने कैसे बताएं किसी को। बजे आज सुबह सारा सामान बिखरा हुआ था, इधर से उधर पड़ा हुआ हम देखें, बहुत अजीब लगा। फिर समझ में आया चोरी हो चुकी है मेरी दुकान में। मेरा नाम प्रशांत कुमार सोनी।